लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने पत्रकार वार्ता कर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार के अपराध के आंकड़े ही हकीकत बयां कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल हो गई है। पवन पांडे ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार बनने के बाद ये प्रदेश उत्तम प्रदेश की वजह हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार प्रदेश बन गया है। चारों तरफ अपराध की बाढ़ आ गई है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट कई बार उत्तर प्रदेश में जंगल राज होने की सख्त टिप्पणी कर चुकी है। इतना सब होने के बाद योगी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। राष्ट्रपति से मांग की कि ऐसी अक्षम और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर असफल सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी से मांग रखी गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के राज में किसी की भी इज्जत, आबरू और जिंदगी सुरक्षित नहीं है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। अच्छा, आप देख लीजिए, पूरी की पूरी सरकार और अधिकारी केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मुंह से अपना बाजा खुद बजा रहे हैं। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन कहना चाहता हूं, एक समय अगर कोई स्कूटर से और मोटरसाइकिल से बिगड़ जाता था, चोट लग जाती थी, तो यही मीडिया अखिलेश यादव जी की फोटो लगा करके दिखाती थी कि कानून ध्वस्त। अगर आदमी कहीं चोट खा जाए तो यही चैनल के लोग अखिलेश जी की बड़ी बड़ी फोटो लगाया करते थे। और आज जब पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आज कोई मोदी जी की और योगी जी की फोटो लगा के नहीं दिखा रहा है। क्या आप डरते हैं? क्या आज उत्तर प्रदेश और इस देश का जो चौथा स्तंभ है, जिसके ऊपर इस देश की सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी है, अगर हम गलत करें तब भी आप दिखाएं, अच्छा दिखाएं तब भी आप दिखाएं, समाज को आईना दिखाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या आज वो डर गए हैं? क्या आज वो योगी और मोदी डरते हैं जो उनकी फोटो लगा के? क्यों? और मैं कहना सुनिए पूरी बात। और दूसरी, जो आपने अधिकारियों की बात कही, आज सारे लोग अपना बाजा खुदे बजा रहे हैं। आज बताइए, कल रात घटना हुई उन्नाव में, दूसरी घटना हो गई बुलंदशहर में हो गई। कोई जिला ऐसा नहीं जहां घटनाएं ना हो रही हो। कहां हत्या रुक रही है, कहां बलात्कार रुक रही है? सवाल हमारे जा रहे हैं कि क्या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को? सवाल ये है, अधिकारी तो झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी मुख्यमंत्री को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जान ही नहीं पाते कि कहां पर कैसे क्या करना क्या होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश को संभाल पाने में वो पूरी तरह से अक्षम है। वो कौन कौन से अधिकारी हैं? अधिकारियों की सूची हमसे ज्यादा आपके पास है, ये तो आप स्वयं जानते हैं। अगर आप सच्चाई दिखाने पे आ जाएंगे तो हमें लगता है अधिकारियों के नाम सहित आप उजागर कर देंगे। हमें उम्मीद है, हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपके चैनल से उम्मीद कर रहे हैं कि आप सच्चाई दिखा करके अगर आंख खोल दें सरकार के, तो बड़ी कृपा होगी। आप भी कितने दिनों से मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है? जिस दिन योगी जी ने शपथ ली उसके एक हफ्ते बाद से ही पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। तो आप विपक्ष में रहते हुए क्या किए? लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। कहां हम चुप है? हमारी पार्टी कहां चुप है? जहां घटना होती हमारी पार्टी वहां पहुंचती, हमारे नेता वहां पहुंचते हैं, सारे लोग संघर्ष करते हैं, पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। अगर आज उत्तर प्रदेश में कोई पीड़ित परिवार के साथ, दुखी के साथ खड़ा है, तो केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव के लोग हैं। डकैती, लूट, बलात्कार पूरी तरह से बढ़ चुका है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीजों को संभाल पाने में अक्षम है, तो उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और हम राष्ट्रपति महोदय से भी मांग करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चल पा रही है, महामहिम सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अगर सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज नहीं है, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।